सवाल जो है खत्म और खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से बीएसपी विधानसभा प्रभारी और नगर पालिका चेयरमैन पति और शहर के जाने माने जनप्रतिनिधि का कोरोना महामारी के बीच जिस तरह का बयान सामने आया है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये महाशय कैमरे के सामने सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब कोरोना खत्म हो गया है। संभल बीएसपी विधानसभा प्रभारी और पालिका चेयरमैन पति हाजी शकील और मीट कारोबारी का जो बयान सामने आया है वह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। दरअसल ये नेताजी संभल के चौधरी सराय में अपने कुछ समर्थकों से मिलने पहुंचे थे और वहां का नजारा देखने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना तो इन्हें और ना ही इनके समर्थकों को कोरोना संक्रमण से कुछ लेना देना है और ना ही इनके लिए सरकार द्वारा जारी की गई कोई गाइडलाइन मायने रखती है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही मीटिंग में बैठे कैमरे में कैद हुए हैं। जब इनसे नगरपालिका द्वारा कोरोना काल में कराए जा रहे कार्यों के बारे में पूछा गया तो इनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। पहले तो कहने लगे कि सरकारी आदेशों के अनुसार काम हो रहे हैं, लेकिन फिर जो इन्होंने कहा वो तो गजब ही था। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अब जो है कोरोना काल खत्म हो चुका है, सब ठीक हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि जब शहर के जनप्रतिनिधि ही इस तरह से लोगों के बीच जाकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं तो इस जानलेवा महामारी में देश के नागरिकों की जान कैसे बचाई जा सकती है। सर, ये नगर पालिका कोरोना काल में क्या सहयोग कर रही है लोगों का? नियम कानून आए वो सबका पालन करा रही है और पालन कराएगी इंशाल्लाह। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अब कोरोना काल जो है खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, चौधरी साहब ने जिस तरह से आज लोगों ने आपको बुलाया स्वागत किया, क्या क्या समस्याएं हैं इनकी? यहाँ की समस्या एक तो लाइट की है, तारों की रही, तारों की समस्या बहुत जमाने से थी, इनकी परेशानियाँ थी। एक ये रास्ता दिखाने के लिए बुलाया आज, ये रास्ता बन रहा है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इस रास्ते पर काम होगा और काम कराएगा इंशाल्लाह। जो भी कोई काम है हमने कहा लोगों से, कोई भी काम है हमारे पास आइए।